कंप्यूटर आज हमारे जीवन में बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इस दुनिया में तेजी से जो जबरदस्त बदलाव आए हैं उनके बीच स्टीव जॉब्स थे। उन्हें कंप्यूटर का माइकल एंजेलो भी कहा गया है। आज जो छोटे कंप्यूटर्स, म्यूजिक, मोबाइल, टैबलेट के इन्वेंशन तो अब पास्ट की चीजें हो चुके हैं, स्टीव जॉब्स ने अपने बनाए गैजेट्स को दुनिया भर में पहचान दिलाई। जिस समय उन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखा, ढेरों कंपनियां अपना कारोबार फैला चुकी थी। एप्पल के माध्यम से छोटे कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। स्टीव जॉब्स ने आईपैड का इन्वेंशन करके म्यूजिक की दुनिया को लोगों की जेबों में समेट दिया। आईफोन बनाया तो फोन में कंप्यूटर के फीचर डाल दिए। इस तरह से उन्होंने कंप्यूटर जैसे गैजेट को डेली यूसेज की चीजों के काबिल बना दिया। इस वीडियो में आप स्टीव जॉब्स की जिंदगी बदल देने वाली इंस्पिरेशनल बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। स्टीव जॉब्स एक ऐसी फिलॉसफी 1970 में ही बोल दिया था कि मैं पर्सनल कंप्यूटर को हर घर में पहुंचा दूंगा। उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया था। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति जिनको माता पिता ने रखा नहीं, अब्दुल जंदाली एक मुसलमान व्यक्ति जो इनके पिता थे, जैनी इनकी माँ अमेरिकन, लेकिन क्योंकि वह शादीशुदा नहीं थे, इमिग्रेंट से 22 साल के थे तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अडॉप्शन के लिए दे दिया। बाद में उन्हें पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने इनको अडॉप्ट किया। छोटी सी उम्र से ही वह बहुत क्रिएटिव थे, इतने बुद्धिमान थे। टीचर ने बचपन में बोल दिया था कि ये क्लास स्किप कर दो, तुम बहुत आगे चलोगे, 2 से 3 क्लास आगे जंप कर लो। आज इस वीडियो में स्टीव जॉब्स कैसे इतने सफल व्यक्ति बने और जब इन्हें अपनी खुद की बनाई हुई कंपनी से बाहर निकाल दिया था तो इन्होंने वापसी कैसे की, यह सब जानेंगे। गोद लिए गए बालक का नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रखा था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही स्टीव इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में गहरी दिलचस्पी लेने लगे थे। उनको लेकर उनके मन में तरह तरह की इमेजिनेशन करते थे। उनके बचपन का ज्यादातर समय पिता के साथ कार रिपेयरिंग गैराज में बीता था और वह कोक की खाली बोतल बेचकर पैसा लेकर खाने का जुगाड़ करते थे। जब वह वीडियो गेमिंग कंपनी में नौकरी करते थे, वहां से पैसा बचाकर इंडिया आए। 1974 में स्टीव जॉब्स आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपने कॉलेज के मित्रों के साथ नीम करौली बाबा से मिलने आए थे, परंतु जब वे करौली बाबा के आश्रम पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह 1973 में 2 महीने पहले ही समाधि ले चुके थे। उसके बाद इन्होंने जैन और बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया। वह दिल्ली से बसों में 7 महीनों तक उत्तर प्रदेश, हिमाचल घूमते रहे। उस दौरान नॉनवेज को छोड़कर फलों को खाते थे, वेजिटेरियन बन गए थे। 7 महीनों बाद भारत से घर लौटकर वह HP की नौकरी करते हुए खाली समय में अपने कंप्यूटर बनाने में लगे रहते थे। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जो कि कुछ चिप्स और कीबोर्ड की सहायता से किसी भी TV के साथ जोड़ने पर काम करता था। बाद में वह स्टीव वोजनियाक से मिले जो बाद में इनके बिजनेस पार्टनर बने। हाँ, शुरुआती बोर्ड को तैयार करने के लिए $1000 की जरूरत थी। इसके लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी वॉक्सवैगन कार बेच दी थी। इसी तरह स्टीव वोजनियाक ने भी अपना HP 65 कैलकुलेटर भी बेच दिया था। फिर 1976 में स्टीव वोजनियाक ने मैकिंटोश Apple 1 कंप्यूटर को इन्वेंट किया। जब स्टीव वोजनियाक ने यह जॉब्स को दिखाया तो जॉब्स ने इसे बेचने के सुझाव दिया। फिर उन्हें कंपनी के नाम को लेकर कोई अच्छा सा नाम उनके जहन में नहीं आ रहा था। एक दिन स्टीव वोजनियाक को दूसरा नाम नहीं मिला तो उन्होंने कंपनी का नाम एप्पल रख दिया, और एप्पल के लोगों को कोई चेरी या टोमेटो ना समझ ले इसलिए उसमें एक बाइट भी बना दिया था। इस तरह एप्पल कंप्यूटर्स का जन्म हुआ। इसे बेचने के लिए स्टीव जॉब्स और वोजनियाक ने गैराज में एप्पल कंप्यूटर को बनाने लगे। स्टीव जॉब्स 1976 में एप्पल के को-फाउंडर बने और एप्पल कंप्यूटर्स को बेचने लगे। एप्पल तेजी से बढ़ता गया और पैसा कमाता गया। पहले साल के अंत में ही पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली दूसरी कंपनी बन गई थी। जब वोज ने पहला कंप्यूटर बनाया उसके बाद ही उन्होंने एक एडवांस कंप्यूटर का डिज़ाइन तैयार करना शुरू कर दिया था जो Apple 2 के रूप में दुनिया के सामने आया। 1978 में एप्पल ने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बनाना शुरू कर दिया था। इसकी हेल्प से नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाना बहुत आसान हो गया था। इसके साथ ही एप्पल 2 के सॉफ्टवेयर की मांग भी तेजी से बढ़ती गई। एप्पल 2 की कामयाबी को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका एप्पल की जगह किसी दूसरी चीज ने निभाई थी, वह विस्कोल्स एक सॉफ्टवेयर था। यह पहला स्प्रेडशीट था। इस सॉफ्टवेयर के जरिए अकाउंटेंट लाखों रुपयों का हिसाब किताब
कई हफ्तों की जगह कुछ मिनटों में किया जा सकता था। तो ऐसे लोग कंप्यूटर को दुकानों में जाकर एप्पल टू खरीद कर घर ला रहे थे। इस तरह देखते ही देखते एप्पल सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई। इस कंपनी को महज 4 साल पहले शुरू किया था। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स पहले की तरह ही थे। वे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ सख्ती बरतते थे और कई इंजीनियर्स उनके साथ काम करते हुए घबराते थे। और 1982 में 27 वर्षीय स्टीव की फोटो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपी थी। जब स्टीव जॉब्स न्यूयॉर्क सिटी में थे, तब वह पेप्सिको के ऑफिसर जॉन कली से मिले और कहा कि क्या तुम जिंदगी भर चीनी का पानी मिलाकर बेचते रहना चाहते हो या मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहते हो? अगर जिंदगी भर चीनी का पानी ही बेचना है तो जाओ पेप्सिको में ही काम करो, और अगर दुनिया बदलना है तो एप्पल में आ जाओ। जॉन कली बोले, मुझे दुनिया बदलनी है। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में लीजा सॉफ्टवेयर बाजार में नाकामयाब साबित हुआ और धीरे धीरे सीईओ जॉन कली से स्टीव जॉब्स के रिलेशन में अब कड़वाहट आ चुकी थी। और अपनी पावर का इस्तेमाल कर जॉन कली ने स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया था। अगले 5 सालों के दौरान स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट और पिक्सर कंपनी की शुरुआत की। स्टीव जब जीवन में नई दिशा की तलाश कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नोबेल प्राइज विनर पॉल बर्ग से हुई। बर्ग ने उन्हें बताया कि डीएनए की रिसर्च के लिए क्या कंप्यूटर के द्वारा रिसर्च में मदद मिल सकती है। तब इस फील्ड के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस बात से इंस्पायर्ड स्टीव जॉब्स ने एजुकेशन और रिसर्च के लिए एडवांस लेवल का कंप्यूटर बनाने का फैसला किया। 1985 में स्टीव ने बोर्ड के सामने अपने प्लान को रखा, पर जब उन्होंने अपनी नई कंपनी का नाम नेक्स्ट बताया तो बोर्ड ने इन्वेस्ट के लिए सख्ती दिखाई। हालांकि नेक्स्ट कंपनी की शुरुआत इतनी आसानी से नहीं हुई थी। स्टीव अपनी कंपनी का लोगो बनवाना चाहते थे। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, हालांकि शुरुआत में यह विचार डरावना था, लेकिन बाद में यह मेरे सबसे अच्छे फैसलों में से एक रहा। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने उन क्लासेस को अटेंड करना शुरू किया जिनमें मेरा मन लगता था। उस समय उनके पास सोने का कमरा भी नहीं होता था, इसलिए अपने दोस्तों के कमरे में फर्श सोया करते थे, कोक की बोतल इकट्ठा कर खाने का इंतजाम करते और हरे कृष्ण मंदिर में अच्छा खाना खाने के लिए हर रविवार की शाम 7 मील पैदल चलकर जाते थे। उस समय रीड कॉलेज में कैलीग्राफी की सबसे अच्छी एजुकेशन दी जाती थी। कैलीग्राफी में एक ही चीज़ को 100 तरीकों से लिख सकते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम को 100 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ रहते हुए उन्होंने डिफरेंट टाइप के फेसेस के बारे में बारीकियाँ जानी। यह किसी साइंस की कंपेरिजन में बड़ा अट्रैक्शन था। अगर स्टीव ने उस कोर्स को नहीं किया होता तो मैक का मल्टीपल टाइप फेसेस इतना सुंदर नहीं होता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने मैक की कॉपी की, इसलिए इसके बगैर किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह बात नहीं होती। वोजनियाक और स्टीव जॉब्स ने एप्पल को अपने माता पिता के गैराज में शुरू किया था। तब स्टीव जॉब्स केवल 20 साल के थे। जब स्टीव 23 साल के हुए तो उन्होंने $1 मिलियन कमाए। जब वह 24 साल के थे तो उन्होंने $10 मिलियन कमाए, और जब वह 25 साल के हुए तो $100 मिलियन के मालिक बन गए थे। 1982 में टाइम मैगजीन ने एप्पल कंप्यूटर को मशीन ऑफ द ईयर्स का अवार्ड दिया। 2010 में उन्हें फोर्ब्स द्वारा वर्ल्ड के पावरफुल लोगों की लिस्ट में 17वें स्थान पर नामित किया। साल 1991 में स्टीव जॉब्स ने लॉरेन पॉल से योसेमाइट नेशनल पार्क में एक बौद्ध समारोह में शादी की। वे वुड साइड कैलिफोर्निया में रहते थे। उनके 3 बच्चे रीड, पॉल, एरिन, सियाना और ईवी हैं। जब स्टीव को डॉक्टर ने देखा तो उन्हें पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया था। 2009 में स्टीव का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। 24 अगस्त 2011 को स्टीव ने एप्पल से रिजाइन कर दिया था। काम के दौरान उनकी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई थी। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव ने अपनी अंतिम सांसें पॉल ऑल्टो कैलिफोर्निया के अपने घर में ली। वे उस समय 56 ईयर के थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने बाद ही स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन 18 महीने तक वह कॉलेज आते जाते रहे और इसी दौरान उन्होंने कैलीग्राफी भी सीखी। उस समय जॉब को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वे इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में करेंगे, लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया तब उन्होंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया। अगर स्टीव कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं होते तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस प्रोफेशनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वह भी नहीं होते। स्टीव जॉब्स ने बताया कि जब वह कॉलेज में थे, फ्यूचर में डॉट कनेक्ट नहीं कर सकते थे,
लेकिन आज उन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आज जो भी हमारे जीवन में हो रहा है आगे चलकर फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा। इससे हमें लर्निंग मिलती है कि हम जो भी अपनी लाइफ में करते हैं, जो भी सीखते हैं, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, उस चीज़ के बारे में हम वर्तमान में रहकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब मुड़कर अपने पास्ट को देखते हैं तभी वे चीज़ें समझ में आती हैं कि वे घटनाएं क्यों हुई थी। उनका कहना है कि अगर आप लाइफ में संतुष्ट होना चाहते हैं तो वो काम ढूंढिए जिसे आप सचमुच में एक बड़ा काम समझते हों, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप इंजॉय करते हों। अगर आपको अभी तक वह काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे ढूंढते रहिए। जब स्टीव जॉब्स 17 साल के थे तब उन्होंने एक कोर्स पढ़ा था, यदि आप हर रोज़ ऐसे जिए कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित होंगे। वे बताते हैं कि इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, यह मुझे लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि जब मैं मौत के बारे में सोचता हूँ तब मेरी सारी उम्मीदें, गौरव और असफल होने का डर खत्म हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में करना ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए और औरों के विचार के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को, अपने इंस्टीट्यूशन को डूबने मत दीजिए। अगर आप भी इसी तरह सोचें कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो आज करने वाला हूँ, तब आप भी किसी काम को अगले दिन पर नहीं टालेंगे। कोई भी डिसीजन लेने से डर खत्म हो जाएगा और आपकी लाइफ के लिए जो सबसे ज़रूरी है वही आप करेंगे। हमेशा आपके अंदर सीखने की एक भूख होनी चाहिए और हमेशा सोचें मुझे तो अभी कुछ नहीं आता, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं आशा करता हूं कि एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स बायोग्राफी आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करेगी